दर्शकों, हम इस वक्त हैं महू में और ये भीम जन्मभूमि है। आप सभी जानते हैं स्मारक, एक भव्य स्मारक यहाँ पर बना हुआ है और हमारे साथ इस स्मारक समिति के जो सेक्रेटरी हैं राजेश वानखेड़े जी हैं। वानखेड़े जी, बताएं कि स्मारक को बने हुए काफ़ी समय हो चुका है अब, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी और अब वो सुविधाएं यहाँ पर हैं, बताएं जरा। अरे वाह, चलिए, अच्छा हुआ कि आपका ध्यान आकर्षण हुआ और सुधीर सर भैया, सब लोगों को मालूम भी पड़ेगा। वास्तव में यहाँ तो स्मारक जो सरकार ने बना के दिया था, मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसमें पुराना जैसे 2003 से मजबूती से काम चालू हुआ, 2008 तक हुआ, जो पीछे आप देख रहे हैं वो बहुत अच्छा स्मारक बना है, जिसमें मार्बल लगा, साथ में फिर मूरल्स लगे और मूर्तियाँ लगी है। बाकी लंबे समय से काम ऐसा कुछ कुछ ऐसा बाकी था जो उसकी भव्यता और दर्शनार्थी की सुविधा के लिए हम लोगों ने तय किया, जिसमें ये जो बाहर आप गार्डन देख रहे हैं, यहाँ पार्किंग हुआ करता था पूरा। बारिश का पानी जब उस पार्किंग के अंदर आता था तो स्मारक के अंदर आ जाता था और ऐसा लगता था कि जो गाड़ी का पार्किंग हो रहा है वो बड़ी प्रतिमा के ठीक सामने किसी ने खड़ी कर दी है, तो वो रोड पे से चलने वाले जो लोग रहते थे वो विजिबल नहीं हो पाते थे, बहुत भद्दा सा दिखता था। तो अभी हमने 2020-21 के अंदर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया, उन्होंने इस बात को माना कि ये जगह ठीक होना चाहिए, फिर हमने उसको दानदाताओं से बोल कर, लोगों से बोल कर, बहुत खूबसूरत सी गार्डन हो गया है वो, जहाँ पर अब जो दर्शन करने के लिए लोग आते हैं तो एक शाम का समय, क्योंकि यहाँ आसपास क्राउड तो है नहीं, सिविलियंस एरिया है नहीं, ये मिलिट्री का एरिया है, तो पहले तो वैसे ही शांति है, फिर उनको बैठने की सारी व्यवस्था मिल जाती है, बहुत अच्छी जगह काम में आ रही है। अच्छा गार्डन हो गया, उसका लॉन लग गया खूबसूरत सा, लाइट्स लग गई, अभी चेयर गार्डन सोफे लगना है उसके अंदर, पास में एंट्रेंस एक बार एक अंदर आने के लिए और एग्जैक्ट और एंट्रेंस दोनों चीज़ें हमने बनाई है, जिसमें आप अंदर आते हैं तो एक कॉरिडोर से गुजर के आते हैं और वहाँ पैर धोने के लिए हम लोगों ने पानी की व्यवस्था करके, जो व्यक्ति आएगा वो पैर पानी में पैर रख के फिर ऊपर आएगा। जैसे एंट्रेंस में जैसे आप अंदर आते हो, थोड़ा रास्ता क्रॉस करते हो, वैसे राइट हैंड के ऊपर सीधे हाथ की तरफ अपने तथागत गौतम बुद्ध की भव्य प्रतिमा स्थापित की है। लैंडस्केपिंग भी बहुत अच्छे से हुई है वहाँ पर, अच्छे से खूबसूरत सी घास आना बाकी है, हालाँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय राज्यपाल जी ने उस मूर्ति का उद्घाटन किया ही किया है। और मूर्ति चूँकि क्योंकि 14 अप्रैल के समय ही करना थी और दो मूर्तियाँ थी हमारे पास में, एक बहुत सुंदर सी मूर्ति, मतलब आप देखेंगे कि 15 लाख की लागत से बहुत खूबसूरत सी मूर्ति बना थी, मतलब वो उसका जो काम चल रहा था वो चलते चलते क्या है कि वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन घोषणा कर चुके थे हम लोग, तो फिर यहाँ के अपने एक अधिकारी हैं उनसे बात हुई, उन्होंने फिर हमको मूर्ति दी, वो मूर्ति को हमने लगाया है और उनका उद्घाटन माननीय राज्यपाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बहुत खूबसूरत सी मूर्ति आप देखेंगे तो जी जी। उसके बाद आप अंदर आएंगे, जिस जगह पर अपन बैठे हैं ये जगह पूरी छाँव में थी, तो यहाँ हमेशा इस जगह का यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी इसके हम जगह जगह बॉकेट्स बनाए हैं अच्छे से खूबसूरत से, दर्शनार्थी को यहाँ व्यवस्था जाती है, यहाँ पर वो बढ़िया शानदार से बैठ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने आसपास सामने की तरफ पीछे की तरफ जहाँ हमने एक किचन बनाया, एक्चुअल किचन इसलिए था कि जितने भी दर्शनार्थी आते हैं ये पहली जगह जहाँ पर फ्री भोजन सब लोगों को अवेलेबल हो जाए। अब फ्री से मतलब ये नहीं है कि वहाँ इसकी क्वालिटी ऐसी होना चाहिए कि राजा से लेकर रंक भी उस फूड को खा सके, और वह इसलिए है कि यहाँ आसपास सिविलियंस एरिया नहीं होने के कारण लोगों को यहाँ पर सुविधाएँ नहीं है, इसलिए हम लोग वो व्यवस्था चालू करी थी, किंतु कोरोना आने के कारण उसको हमको बंद करना पड़ा, वापस शुरू कर रहे हैं हम उसको, तो जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनको हम फूड देते हैं, सेवा करते हैं, हम ये समझो फ्री नहीं बोल सकते इसको, हम सेवा करते हैं कि वो जिनको लगता है तो वो आवश्यकता खा लें। साथ ही साथ यहाँ एक साहित्य हमारे पास में है, सावित्री बाई के फुले जी के नाम से है, वो भी हमारा एक डोनेशन का पार्ट है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर वास्तव में महाराष्ट्र पास होने से एक बुलढाणा ऐसा ज़िला जो पास में है, तो पहले यहाँ दर्शनार्थी जो आते थे वो गरीब दर्शनार्थी थे, मतलब हम कभी कभी तो महीने में 4-5 लोगों को हमको हमारे पास से सेवा करनी थी कि रहने प्रति उनको टिकट के पैसे और दे के बिठाना पड़ता, वो सर पे रोटी रख कर पानी के बाटल लेके आते थे, वो सिर्फ दर्शन हो जाए ये चिंता करते हैं, तो वो भाव सदैव हमने हमारे समिति में, हमारे सोसाइटी में, जो हमारे मेमोरियल सोसाइटी की वजह से राजू अंबोरे जी हमारे पास जो बैठे सभा संपर्क काम देखते हैं, वैसे हमारे पूरे जितने भी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी के सारे सब लोगों के मन में ये बात है कि हम इस भाव को हमेशा मन में बना के बैठे कि दर्शनार्थी जो आते हैं वो चाहे छोटे से बड़ा हो, लेकिन वो हमारे लिए एक
मतलब वैसे मेहमान हैं जिनका हम सब तरह से उनकी खातिर किया कर सकें, मतलब उनको पलकों पे बिठाना ही है, तो इसलिए उनकी सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। फूड हमने फ्री करा, फिर इसीलिए हम लोगों ने क्या करा कि सावित्रीबाई फुले का जो हमारा पुस्तक केंद्र है, अगर वहाँ किताब 100 रुपये की और आपके पास 80 रुपये भी हो तो वो 80 रुपये आप डोनेशन के हिसाब से दो, आप 100 रुपये किताब आप ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। 50 रुपये भी हो तो 100 रुपये किताब देने में कोई समस्या नहीं हम लोग, इसलिए कि लोग उसको पढ़े और जागरूक होए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम वही पुस्तकें रखते हैं जो उस समकालीन लोगों ने लिखी हो या उन्होंने ही लिखी हो, उन्हीं महापुरुषों ने लिखी हो, बाबा साहब ने लिखी हो या बाबा साहब के समय जीवंत जो व्यक्ति है उनने लिखी हो, वही पुस्तकें हम यहाँ रखते हैं, तो वो पुस्तक यहाँ लोगों को अवेलेबल हो जाए। एक तो हमने सेंटर इसलिए भी खोला है, ऑफिस की भी व्यवस्था करी हम लोगों ने कि यहाँ पहले छोटा सा कमरा हुआ करता था, यहाँ आजकल हाई कोर्ट के जस्टिस हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, आजकल का तो हाई कोर्ट के जस्टिस खूब आ रहे हैं, तो वो सारे लोग कोर्ट मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों स्तंभ और अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे बड़ा, आज जो आप चैनल हमारा दिखा रहे हैं या जितनी मीडिया आज है, अंबेडकर जी को कितना दिखाते हैं, आंदोलन को कितना उनको दिखाते हैं वो अलग विषय है, लेकिन उनको जो आज़ादी मिली है वो अंबेडकर जी ने ही दी है। आर्टिकल 19 के हिसाब से अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो तो हम अभी इस प्रकार के सारे, हालांकि मीडिया के सारे बंधु आते हैं, मीडिया के सारे लोग आते हैं, तो चारों स्तंभ के लोगों के आजकल तो लोग यहाँ दर्शन करने के, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात के लोग सबसे ज़्यादा आजकल आते हैं। पहले महाराष्ट्र की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी लेकिन अब इक्वल टू गुजरात की ज़्यादा हुई, तेलंगाना, पंजाब के लोग आते हैं, पूरा देश आता है। आप 15 दिन यहाँ पर रहेंगे तो पूरे देश से मुखातिब होंगे कि अम्बेडकर जी के बारे में पूरा देश क्या जानता है, क्या बोलता है, सब उन सब लोगों को माप को देखकर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी कि हमको जगह चाहिए यहाँ पर, तो उन्होंने बोले राजेश जी देखो, माननीय पिछले 14 अप्रैल को साथ में भोजन करा माननीय मुख्यमंत्री, बहुत सादगी भरे अंदाज में उन्होंने भोजन करा और मेरे को बोले कि हम आपकी सोसाइटी को ज़मीन दे देंगे, लेकिन यहाँ सब सेंट्रल की गवर्नमेंट है, वहाँ से ऊपर से उसकी मंजूरी मिलती है। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, यहीं पर ही राज्य परिवहन निगम की एक जगह है जो 3.5 एकड़ है, अगर वो ज़मीन मिल जाए तो दर्शनार्थी के लिए सुविधा हो सकती। बोले केंद्र सरकार इन्होंने दे तो मैं अगली 14 अप्रैल को दे दूंगा आपको ज़मीन। हम लोगों ने प्रयास करा, 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, NOC आते आते समय लग गया, और 14 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने मंच से ही घोषणा करके वो आदेश हम लोगों को दे दिया कि आपको ज़मीन दी जाती है, आवंटन का आदेश जो है वो हमको हाथों हाथ दे दिया। उसके बाद में फिर हमारा वो जगह पर सारी कार्रवाई हो गई, कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिया तो माननीय SDM ने वहाँ पर जाके कब्जा मतलब सीमांकन करा, उसका कब्जा रसीद हमको दी, सुब्रतनामा हमको दिया, तो वो अधिपत्य हम लोगों को ज़मीन का मिल चुका है 3.5 एकड़। वहाँ पर हम लोग अभी प्राथमिक स्तर पर उसको ठीक ठाक करके अभी हम लोग वो कार्यालय शुरू करके वहाँ काम शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो माननीय मुख्यमंत्री है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ये जगह हम लोगों को तभी दी है। पहले महाराष्ट्र के लोग आते थे तो तब होता, लेकिन इस बात को आप कोट किएगा कि इस बार लोकल जो लोग हैं, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, वो क्या होता है ना, 13 तारीख को जो क्राउड आता है, 13 की 14 सवेरे जो क्राउड आता है, 10 बजे तक जो क्राउड आता है वो बाहर का होता है, वो 10 बजे के बाद जो क्राउड आता है पूरा वो इंदौर का MP का क्राउड रहता है। यानी बैलेंसिंग करा जाए ना, तो अगर 3 लाख लोग आते हैं तो 1.5 लाख जो लोग रहते हैं वो मध्य प्रदेश के रहते हैं, ऐसा। अच्छा, ये एक बात जो आपने कही कि बहुत सारे लोग आते हैं 13 तारीख को भी, बहुत सारे लोग आते हैं 14 को भी, और उस दौरान काफ़ी लोग आते हैं, इन लोगों के रुकने की हमेशा से समस्या हमने देखी। पहले भी हम जब यहाँ पर आए तो लोगों को देखा, जैसे कि नागपुर में भी होता है या चैत्यभूमि मुंबई में भी होता है, लोग सड़कों पर सोते हुए नज़र आते हैं, अक्सर दीक्षाभूमि के आसपास भी लोग सोते हुए नज़र आते हैं। हमारे इन तमाम जो स्थल हैं यहाँ पर लोगों को, लोग अगर चाहें, दर्शकों हम आपसे भी कहना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी ओर से अगर धर्मशालाएं बनवाना चाहते हैं, आसपास कोई ज़मीन खरीद कर, ज़मीन देख कर, आप किसी से ज़मीन लेकर आसपास आप चाहे तो कुछ कमरे बनवा दें, कुछ चाहे तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवा दें, ताकि जो लोग उस वक्त आते हैं वो सड़कों पर न सोएं, कम से कम उनको एक कमरा, एक छत तो जो है उन्हें मिल सके। तो क्या इस प्रकार की पहल भी हो रही है? जैसे मैंने आपको कहा है कि सारे पहले जो है ना, हम लोगों, जैसे मैंने बोला ना कि अब भाव को देखकर ध्यान में आया, तो पहले हमारे यहाँ जो खाना है ना, लोग रोड पे बनाते थे, है ना, अब रोड पे बनाते थे, बहुत भद्दा दिखता था,
तो हम लोगों ने खाने की व्यवस्था प्रॉपर एक किचन तैयार करा बड़ा अच्छा सा। उस किचन में जहाँ फ्री फूड देते थे वहाँ हम लोगों ने बोला अगर आपको बनाना है तो आप इसी किचन में बनाइए। अभी तो हम जो एक अभी जो कोरोना के बाद लोगों ने हम लोगों ने जो फ्री फूड का जो था जो फ्री सेवा फूड का जो कार्यक्रम था वो बंद कर दिया। तो अब क्या जो इतने बस के लोग आते हैं ना वो सारे अंदर ही भोजन बनाते हैं और अंदर ही खाते हैं। मतलब जगह हमने ऐसी करी कि जहाँ दर्शनार्थी को साधना करने वालों को भी डिस्टर्ब नहीं हो और उधर भी अच्छा हो जाए। साथ ही साथ है ना एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा था कि इस स्मारक के गर्भगृह में अभी बहुत खूबसूरत सा मॉन्यूमेंट हमने बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियां रखी। ये हमने अभी हाल ही बनाया 2020 के बाद ही बनाया। और जैसे आपने एक बहुत महत्वपूर्ण आपने भी अपील करी अभी हाल और उस अपील का मैं पूरी जोर जो स्मारक समिति के माध्यम से सभी देश के अनुयायियों के माध्यम से मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में ये सुविधाएँ सब लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगह दी है और कहा है कि हम अगर उसमें भी पैसा भी दे रहे हैं वो हम यहाँ पर तो ये व्यवस्थाएं पूरी करा और जो जिसके नाम से आता है ना वो उसके नाम से प्रोवाइड होना चाहिए। ये नैतिक जवाबदारी हमारी है। और जितने भी जैसे मान लो कि बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए जितने भी 5-6 जो जगह है मान लो अपना दीक्षा भूमि है और पंचतीर्थ जो है बोलते हैं वो सारी जगह पर सारे अनुयायियों की नैतिक जवाबदारी भी जो आपने अपील करी है बहुत सारे लोग अब वो जमाना गया आज भी बहुत बहुत मजबूत स्थिति में समाज का तबका है। और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि ये एक अलग विषय है कि अम्बेडकर जी को आइसोलेट करा कि जब आज़ाद हुए देश आज़ाद हुआ तब किन्हीं नेताओं ने करा होगा या किन्हीं लोगों ने करा होगा कि एक 900 साल 700 साल मुगलों का राज 207 अंग्रेज़ों का राज और सभी जाति सभी वर्ग को संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिए चाहे वो फिर बाद में हिंदू कोड बिल हो। खैर हिंदू कोड बिल में जो अधिकार मिले वो तो उन्हें संविधान में समता के शिक्षा के अधिकार महिलाओं को दिए आधे से ज़्यादा अधिकार दे दिए लेकिन एक अलग से होना चाहिए हिंदू कोड बिल वो लेके आए। साथ ही साथ जैसे और जैसे ही ऐसा माहौल बना कि अम्बेडकर जी 10-20-25 साल बाद इस देश के सर्वमान्य रहेंगे तो उनको कह दिया कि दलित होकर नहीं रहेंगे। लेकिन आज की मैं बताऊँ कि दुनिया के सब महान अर्थशास्त्री डॉक्टर अम्बेडकर हैं देश की आधी आबादी के नारी के उद्धारक डॉक्टर अंबेडकर जी हैं। ये वाला परिचय गया नहीं है, है ना। महान पत्रकार की दुनिया में महान पत्रकार भी रहे हैं महान बैरिस्टर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई अंग नहीं रहा समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा कि जिनको उन्होंने छुआ सर्व स्पर्शी सर्वव्यापी सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर जगह दी है सभी के मौलिक अधिकार दिए सभी ऐसा कोई समाज का अंग नहीं जो उपकृत नहीं हुआ। तो क्या समाज के सभी वर्ग की ये नैतिक जवाबदारी नहीं बनती कि ऐसे जो बाबा साहब के स्थल है वहाँ पर जैसे महान अर्थशास्त्री आज रिजर्व बैंक की स्थापना हुई ये कॉरपोरेट सेक्टर में सब लोग काम करते हैं ये बैंक जैसे अभी यूनियन बैंक हमारी अपील पे हमने कहा कि 1 अप्रैल को जिस दिन रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी इंडियन डॉक्टर अम्बेडकर इंडियन इकोनॉमिक्स डे बनना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया का मैं साधुवाद देता हूँ कि सारे प्रांतों के अंदर उन्होंने ये दिन बनाया है। तो ये जो एक छुटा हुआ जो समग्र अम्बेडकर जो छुटे हुए अम्बेडकर हैं और जो सभी समाज के ऊपर जिन्होंने उपकार करें जिनको इस बात का अनुभव होता है अनुभूति होती है और होती क्या है अगर आप टटोलोगे तो मिल जाएगा कि आपके ऊपर उपकार किया है। तो आपकी उपकार किया तो नैतिक जवाबदारी सभी समाजों की बनती है कि ऐसे तीर्थ जगह पर वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देकर वहाँ पर जाए भी बाबा साहब के प्रति अपनी निष्ठा भी व्यक्त करें और अपना कर्तव्य बोध जब उनको होता है तो वहाँ पर उनकी व्यवस्था भी करें। ऐसा मैं आपकी अपील के बाद में अपील कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए है। और एक जैसे हम लोगों ने ये तो हो गया हमारा जैसा आपने पूछा कि स्मारक के अंदर की व्यवस्था क्या है लेकिन आउटडोर जो हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया है वो प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। हम पहले भारतीय और अंत में भी भारतीय ये बाबा साहब का कोटेशन इस बात को धारण करे हुए हम लोगों ने किसी भी समाज की बुराई नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म की बुराई नहीं होना चाहिए किसी भी जाति की बुराई नहीं होना चाहिए। हम पहले भारतीय अंत में भारतीय हम ऐसा सारी चीज़ों को धारण करके हम लोगों ने जगह जगह पर हम लोग एजुकेशन सेंटर हम लोग खोल रहे हैं। इस 1000 बच्चों को हम लोग एडॉप्ट करने का हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम 13 साल की उम्र से 10, 11, 12, 13, 14 10 साल की उम्र में बच्चा समझने लगता है बोलने 14 साल की उम्र में हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो ये 4 साल में जिस माहौल में रहता है ना और जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उनको अट्रैक्शन आता है तो जिस माहौल में रहते हैं वो अट्रैक्शन उनके पास में आ जाता है। तो 14 से लेकर 18 साल की उम्र में जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है 18 के बाद नीट की एग्ज़ाम होती है आप ये 5 साल के अंदर सर मात्र
1825 दिन होते हैं और 1000 दिन स्कूल लगता है, और 1000 स्कूल दिन के अंदर सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई होती है। अगर वो 5 घंटे बच्चा अगर इस माहौल में रहा हो तो क्या पढ़ाई पे फोकस कर पाएगा? नहीं कर पाता है। तो 14 साल की 13 साल की उम्र से ही उन बच्चों को एडॉप्ट करना, 13 से लेकर 21 साल की उम्र तक लगातार साथ में लेकर चलना, ऐसे करके हम 40 सेंटर इंदौर और उज्जैन संभाग के आसपास खोल रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को ये जो मैंने बातें बताई आपको कि 4 नियम पक्के हैं, किसी धर्म की बुराई नहीं, किसी जाति की बुराई नहीं, किसी त्यौहार की बुराई नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी सिंगल ऐसा उनका ध्येय, जो इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा शिक्षा के प्रेरणा स्रोत थे तो वो डॉक्टर अम्बेडकर है, क्योंकि जिस बच्चों को स्कूल में नहीं बिठाया दिया जाता था उनने इस देश का संविधान लिखा है। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर और बच्चों के एजुकेशन गोल वो और उनको उस गोल तक पहुंचाने का हमारा माइंड डेवलपमेंट का काम, और ये दोनों काम हम लोग कर रहे हैं। ये आउटडोर हमारा कार्यक्रम है, ये वंचित समाज के लिए, मतलब वंचितों के लिए, ये किसी एक जाति के लिए नहीं, जो वंचित है, जो जिसको अवसर नहीं मिला चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसके लिए वो जगह है। यहाँ पर हम लोग खोल कर ये अम्बेडकर जी की जन्मभूमि के माध्यम से, ये सेतु है अम्बेडकर जी का जन्मभूमि, जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जन्मभूमि के माध्यम से हम इंटरटेन कराते हैं कि आप इन बच्चों को गोद ले सकते हैं, आप ये एजुकेशन सेंटर खोल सकते हैं। और डेली उनको बताना, रोज़ एक हम ट्यूटर अपॉइंटमेंट करते हैं, एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंटमेंट करते हैं, फर्नीचर देते हैं, और ये सारा प्रोग्राम हमारा चलता है। तो 1000 बच्चों को एडॉप्ट करके इस कार्यक्रम को हम लोग सर, ये आउटडोर कार्यक्रम हम लोग हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे एक बार फिर अपील हम करेंगे कि ये वो ऐसी जगहें हैं जहां पर तमाम लोग आना चाहते हैं, अम्बेडकराइट लोग आना चाहते हैं, और पूरे साल भर इन लोगों के, आप सभी के आने का यहाँ पर तांता लगा रहता है। और सिर्फ यही नहीं, ये महू है, सिर्फ महू में ही नहीं, दीक्षा भूमि नागपुर में भी या चैत्य भूमि मुंबई में भी इस प्रकार की जो संख्या है अम्बेडकराइट लोगों की वो लगातार बनी रहती है, लोग आते रहते हैं। और ख़ास तौर से विशेष दिनों में यहाँ पे जो भारी भीड़ होती है उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था करना हम सभी की जिम्मेदारी है। और इसीलिए अगर आप सब में से जो भी सक्षम हैं उस आसपास अगर आप उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं, परमानेंट व्यवस्था अगर आप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम आप उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।